बिहार बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा पटना कोर्ट पेशी प्रकरण पर पूर्व सांसद आनंद मोहन के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ताओं का राज्यव्यापी विरोध सहरसा जिला के कहरा मोड़ पर आज भी जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी, गिरिराज सिंह और संजय जायसवाल का पुतला दहन भी किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बगैर वीडियोग्राफी के कुछ स्टिल फोटोग्राफ्स को काट छाट कर और तोड़ मरोड़ कर बेवजह बवाल खड़ा कर स्वतंत्रता सेनानी परिवार में जन्मे और स्वयं जेपी सेनानी रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन की छवि को न सिर्फ धूमिल करने की कोशिश की गई है बल्कि उनके ऊपर कानून के उल्लंघन का आरोप लगाकर गरीब सिपाहियों की नौकरी से भी खिलवाड़ किया गया है। जबकि दुनिया जानती है कि पूर्व सांसद आनंद मोहन न्यायालय का सम्मान करते हुए निर्दोष रहते हुए भी धैर्यपूर्वक 14 वर्ष की सजा काट ली है। प्रदर्शनकारियों ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि आज ये प्रश्न कोई पूछने वाला नहीं है कि सजा पूरी करने के बाद भी वो जेल में क्यों है। जब राजीव गांधी के हत्यारे को छूट सकते हैं तो बेगुनाह आनंद मोहन क्यों नहीं। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि बीजेपी की बौखलाहट के पीछे का कारण यह है कि वो इस सच्चाई से अवगत है कि जिस दिन आनंद मोहन जेल से रिहा होंगे उनका आधार वोट ध्वस्त हो जाएगा। इस दौरान फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ताओं ने सख्त लहजे में कहा कि अगर बीजेपी नेताओं ने इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी तो आगे हम प्रदेश भर में कालिक पोतो अभियान भी चलाएंगे। निश्चित तौर पर हम लोग चाहते हैं आज से नहीं वर्षों से कि आनंद मोहन जी का सम्मान पूर्वक रिहाई हो। दूसरी बात, ये मुर्दाबाद और जिंदाबाद का जो नारा लग रहा है इसका एक ही कारण है कि आनंद मोहन जी सहरसा से कोर्ट पेशी के लिए पटना गए हुए थे। एकाएक उनके सीने में दर्द हुआ, दर्द होने के कारण उन्होंने हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जब गए इस बात की जानकारी उनके परिवार के लोगों को लगा, परिवार के लोग आए मिलने के लिए उनसे उसी बीच में किसी ने एक फोटो लेकर के और पुराने फोटो को काट छाट के और उसमें जोड़ करके और सोशल मीडिया पर दिया कि आनंद मोहन जी अपने निवास स्थान क्या नाम कहते हैं पटना गए और अपने बाल बच्चे के साथ ऐसे आराम कर रहे थे। मैं ऐसे नेताओं का जिन्होंने इस तरह का बयान दिया उसका मैं भर्त्सना करता हूँ और मुर्दाबाद करता हूँ। बस एक ही बात हमारी मांग है कि आनंद मोहन जी का सम्मान पूर्वक रिहाई हो, बस और कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका?